बच्चों अब हम सीखते हैं कि जब हम 2 डिजिट का कैलकुलेशन अबैकस से करते हैं तो पेंसिल को किस प्रकार से होल्ड करते हैं। आइए देखते हैं। तो आप देखिए, ये है हमारा एडिशन एंड सबस्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 55, 11, 22। तो हमने यहाँ किया 5, 5, 55, 1, 1, 11 और ए हो गया हमारा 2, 2, 22। तो आंसर हमारे आ गए 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 यानी 8, 8, 88। तो हमने यहाँ आंसर में राइट कर दिया 8, 8, 88। और आप देखिएगा कि पेंसिल को हमने होल्ड करके रखा है और मैं पेंसिल को कहीं भी रख नहीं रही हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंस बात है जिसको आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है 22, 22, 55। तो हमने किया 22, 22 और 55। आंसर आ गए हमारे 9, 9, 99। तो यहाँ पे राइट करेंगे आंसर में 9, 9, 99। क्वेश्चन 3 है हमारा 44, 55, -11। तो अब हम करेंगे 44, 55, -11। 44, 55, -11 आंसर हमारे हो गए 8, 8, 88। मेरे छोटे छोटे बच्चों, मैं क्लास में एक एक बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाती हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें कि अबैकस का कैलकुलेशन करते समय पेंसिल को कैसे होल्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 11, 33, 55। 11, 33, 55 आंसर हो गए हमारे 9, 9, 99। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 55, 44, -22। 55, 44, -22 आंसर हो गए हमारे 8, 8, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 88, -11, 22। 88, -11, 22 आंसर हो गए हमारे 9, 9, 99। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 66, 33, -55 आंसर हो गए हमारे 44। आप देख रहे होंगे बच्चों कि मैं पेंसिल को कहीं भी नहीं रख रही हूँ और पेंसिल कंटिन्यू मेरे हाथ में है और मैं कैलकुलेशन भी कर रही हूँ और अबैकस का भी यूज़ कर रही हूँ, यानी पेंसिल का भी यूज़ कर रही हूँ और अबैकस का भी यूज़ कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 99, -11, 11। तो यहाँ करेंगे हम 99, -11 और +11 आंसर आ गए हमारे 9, 9, 99। क्वेश्चन नंबर 9 में है 55, 44, -77। 55, 44, -77 -77 आंसर आ गए हमारे 2, 2, 22। क्वेश्चन नंबर टेन में है हमारा 22, 55, -55। 22, 55, -55 आंसर आ गए हमारे 22। बच्चों आज हमने सीखा कि अबैकस में कैलकुलेशन करते समय पेंसिल को हम अपने हाथ में कैसे होल्ड करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो।